नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी सात रानियों की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा की छह रानियां थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार कोई भी दुख नहीं था। राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा एक एक करके छह शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा घर में पूजा पाठ करने के साथ ही राज्य के सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करवाते, यज्ञ करवाते और दान धर्म करते, लेकिन फिर भी रानियां मां नहीं बन पाई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की निराशा भी बढ़ती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया कि राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा के दुख से राज्य की प्रजा भी दुखी थी। उन्हें भी राजा के समान ही प्रजा पालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उनके लिए मन से कामना करते और प्रार्थना करते कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने। इसके लिए उनकी प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मनोतियां मांगती थी। राजा ने बहुत प्रयास किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। वह पीर फकीर, साधु सन्यासी सबकी सेवा करते थे, परंतु अभी तक किसी का भी दिया हुआ आशीर्वाद राजा को नहीं फला था। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरण तो उन्हें मिल नहीं पाया। वह हिरण ना जाने कहां छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से कल कल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दे गया। झरने पर पहुंचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं?
राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। ये झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए। थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छाव में उधर की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। लड़की कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं। आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगी। ये कहकर वह लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में बंधे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार मंत्रमुग्ध सा होकर उसे देख रहा था। राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते पर फल रखे। राजा उन फलों को लड़की से ले लेता है और उस लड़की से पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगी? लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। फल खाते हुए राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम कोटसी है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियाँ उगा लेते हैं जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, अपने बारे में भी आप कुछ बताइए, आप कौन है? राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला कि जब मैं अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, रूपा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ। रूपा कहने लगी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद रूपा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ, सुबह लकड़ियाँ ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ, उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इस समय यहाँ मिलूंगी, या फिर यदि आप चाहें तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा वहां से चल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया। लेकिन राजा रूपा पर मोहित हो गया था, इसलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि छह छह रानियों के रहते उसका दिल रूपा की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है। जब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया तब उसने जंगल में घटी ये सारी बातें अपने मंत्री को बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं तो आप उस लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए।
मंत्री का ये सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें रूपा दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज रूपा दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज रूपा आई नहीं है या फिर आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वह रोज यहाँ आती है, तो अब तक आई क्यों नहीं। मंत्री जी कहने लगे, महाराज क्यों ना हम लोग उसके गांव चले। राजा कहने लगे, हाँ लगता है यही ठीक रहेगा। रूपा के गांव में जाने का निश्चय करके दोनों उसके गांव पहुंचे और फिर रूपा का नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के लोग रूपा का घर दिखाने के लिए उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो उसे वहां रूपा की झोपड़ी के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। रूपा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, रूपा तुम क्या कर रही हो, बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु क्या आज तुम फल लेने नहीं गई थी। आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, रूपा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। अब तक दो अजनबियों को घोड़े पर सवार देखकर इकट्ठे हुए ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबूजी इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक माँ ही तो थी और वह भी चल बसी। उसे सर्प ने डस लिया था और अब ये बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताइए कि ऐसे में अब ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करे। आप लोग कौन हैं? मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है। मुखिया जी ने कहा कि नहीं, हमारी बेटी राज रानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल गए। ये गांव अब आपकी ससुराल होगी, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके राजा और रूपा का विवाह करवा दिया। राजा ने रूपा को नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तैयार थे। गांव वालों ने रुंधे गले और नम आंखों से गांव की बिटिया रूपा को विदा किया। राजलक्ष्मी राजा के साथ अपनी ससुराल राजमहल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर उसकी दूसरी छह रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थी। उन्होंने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतनों के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी सौतने उससे कितनी नफरत करती है। वह उन्हें अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो वह राजा के पास आया और बोला कि महाराज वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा है, क्यों न एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर
उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने उसे कहा कि सन्यासी महाराज को आदर से महल में बुलाया जाए। जब वह महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी ना कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी का रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी छह रानियों ने महात्मा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी ना किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा आदर सत्कार करती। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाकर बोले कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है, बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। ये सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले थे। रानी गर्भवती थी, ये समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ये सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कुल गुरु को भी ये निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाएं। इस समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है, परंतु बड़ी छह रानियां तो जलकर राख हो गई थी। ये छह की छह रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वह सब यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा, यही पटरानी हो जाएगी, उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और ये हमें दासी की तरह समझेंगी। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुल गुरु के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वह विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया था।
अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुल गुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुल गुरु छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतला कर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुल गुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं? आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। वह सोचती कुल गुरु तो पुरुष है और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे, इसलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी, इसलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा कि दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करे, प्रसव कैसे होगा, समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद न जाने कितना ज्यादा आदर होगा। ये सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी, लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं दाई को बुलाती हूँ, तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा। उसे ढेर सारा धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी के जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। ये देखकर वह सोचने लगी कि अब वह क्या करे। उसने कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा नहीं था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहाँ पर ये जो पानी पीने का घड़ा रखा है वह भी तो मिट्टी का ही है, मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा, जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा। वह घड़े से पानी फेंक कर उसी में अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था। वो आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रख कर वही पास में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जा नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से कराह रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके सात बच्चों को जन्म दिया। उनमें छह लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई। ये देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थी। वह सभी ये देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ सात बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा
कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहाँ से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहाँ रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहाँ पर छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियाँ अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहाँ उनके पास पहुँच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है? दाई के हाँ कहने पर सभी रानियाँ बहुत खुश हुई और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियाँ छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ है और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा कि ये देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी ये सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन्होंने सारे ईंट और पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी ही सभी रानियों ने ये बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग, वह खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही है। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहे, इनका भेद जो खुल गया है। जब राजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपका ये सब कहने का क्या मतलब है? रानी, बताइए तो सही, क्या हुआ, रानी का प्रसव हुआ या नहीं? राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी, उसने झूठे दुख का दिखावा करते हुए कहा, महाराज, हम तो चले गए, हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया। महाराज, ये राजलक्ष्मी मासूम चेहरे वाली, ये तो बहुत ही छलने वाली और धोखेबाज निकली। महाराज, ये हमें गर्भवती होने का
धोखा देती रही, ये गर्भवती नहीं थी, बस दिखावा करती रही। और इसने हमें धोखे में रखा, गर्भ होने पर कुछ तो होता। इन्हें तो ईंट और पत्थर पैदा हुए हैं। वह ईंट और पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी राजा और रानी राजलक्ष्मी को राजलक्ष्मी के कक्ष में लेकर गई और उन्हें ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ये ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी पटरानी कहने लगी, महाराज वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे। सभी को ये उम्मीद थी कि राज्य का वारिस मिलेगा। इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगने लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा क्रोध में भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? हमें छलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ऐसा ना करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले इस सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आपने जो छल हमसे किया है, उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं, बल्कि महल की नौकरानी होगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी रानी और बाकी सभी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी दुखी बहुत हो गई और उसके दुख हर गुजर रहे दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। पर वह सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें ये आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उनके मन में इच्छा होती कि वह राजमहल को छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती, परंतु वह ये सोचकर अपना विचार बदल देती कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे। वह सोचती, अब वह वहां जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहें। इस तरह समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे कि तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज मनसुखा गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने ग्राम प्रधान को बुलाने की आज्ञा दे दी। मनसुखा गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया।
और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी, कहिए आपकी क्या समस्या है। ग्राम प्रधान कहने लगा, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। राज्य में और हमारे गांव में सभी राजी खुशी है। आज मैं यहां आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारिक घटना के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान रह जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया। राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना हुई है, उसके बारे में हमें बताइए। प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहां बहुत से पेड़ पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चंपा के फूल और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं। ये पौधे अपने आप उगाए हैं, इन पौधों को किसी ने भी नहीं लगाया। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए हो। परंतु महाराज, ये भी एक सत्य है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उगाए हैं। महाराज, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि ये चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोड़ने से इसका फूल टूटता नहीं है। चंपा के पौधे से जो फूल नीचे गिरते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं, वह फूल बहुत ही सुगंधित है। परंतु महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो चंपा के सारे फूल आकाश की तरफ को काफी ऊंचे हो जाते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, उनमें से मानव की आवाज भी आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बातें करते हैं। ग्राम प्रधान की ये सभी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पौधे मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें ये बताइए कि वह पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, जब कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की ओर हाथ बढ़ाता है, तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, ये इस गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने आए हैं, इन्हें फूल देना है या मैं लघु आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है, ना बहना, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी चंपा के फूल तक पहुंचना संभव नहीं होता, परंतु प्रतिदिन सुबह के समय चंपा के फूल जमीन में बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। महाराज, आश्चर्य की बात तो ये है कि सभी ग्रामीणों ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथों से तोड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि कितने राहगीरों ने भी और आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया, सभी असफल रहे। महाराज, अब तो सभी लोगों ने उस चंपा के पौधे को आकाश चंपा के पौधे के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की
ये सभी बातें सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी आप खुद जाकर देखिए वह किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरबार से बाहर निकल गए। राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़े, ये सब सुन और देख रहे थे, वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री के वहां से जाने के बाद राजा भी ये सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, वह सब कुछ पता लगा कर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुंचे, तो सभी ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था, मंत्री जी ग्राम प्रधान और गांव के लोग आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की गंध उनके नाक के नथुनों में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित से हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि ग्राम प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थी, जिसे मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़कर छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। चंपा के फूल मंत्री जी के हाथों की पहुंच की सीमा में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे। मंत्री जी चंपा के फूल की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़े और फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मंत्री जी के आगे बढ़े हाथ जहां के तहां रुक गए, वो आश्चर्यचकित हो उठे। वह देख रहे थे कि ये आवाज चंपा के पौधे से आई थी। चंपा के फूल के पौधे से आवाज आई थी कि हे बांस भैया, हाँ बहन चंपा, ये आवाज किनारे की ओर से बांस में से आई। उसके बाद चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटू या लग जाऊं आकाश? आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आश्चर्य, सभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हो। इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन हो गया हो। और जब वे इन आवाजों को सुन रहे थे जो कह रहे थे, ना बहन चंपा लग जा आकाश, ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना, इसलिए बहन चंपा लग जा आकाश। और आश्चर्य, चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गई कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को नहीं छू सकते थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह एक फूल भी नहीं तोड़ सके। बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी, वह मंत्री जी से कह रही थी कि जाइए मंत्री जी, अपने राज कार्य का संचालन कीजिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। मंत्री जी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं। आपने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भ अवस्था के अंतिम समय में कैसे रही और उनका प्रसव कैसे होगा।
ऐसे कठिन समय में उन्हें क्या क्या समस्या हो सकती है। इसलिए अब आप यहाँ से जाइए, हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। उनकी बात सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक और तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये पौधे मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वे ये सोचकर भी हैरान थे कि वे सचमुच रानी राजलक्ष्मी को दिन में केवल एक बार देखकर आ जाते थे। ये बात सच तो थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात इन पौधों को कैसे पता चली। और वह आत्मग्लानि से भर उठे, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें ये महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की। अब वह ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कुछ बड़ा षड्यंत्र हुआ है, क्या कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? उन्होंने पौधों से पूछा कि आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही अब पौधों की तरफ से कोई भी आवाज आई। लेकिन चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थी, इसलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। निराश होकर मंत्री जी वहां से वापस जाने लगे। वहां से लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस रहस्य का पता करने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा कि महाराज मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है। अब मुझे तो अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राज रानी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए महाराज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहां चले और स्वयं देखें। हो सकता है वह आकाश चंपा आपको सारी बात बता दे। मंत्री की पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे। मंत्री जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वे क्या करें। उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महाराज से कहा कि महाराज यदि आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया हूँ। इसलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा। इसलिए महाराज आप मेरी इतनी सलाह मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिले और मेरे किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंत्री की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा,
कि ठीक है मंत्री जी, अगर आप उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं, तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नजरों के सामने ना आने पाए। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश चंपा के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे आगे रथ में स्वयं राजा, उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासियों के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को कहीं ना कहीं अब भी अपने आप पर गलानी आ रही थी कि उन्होंने गर्भ अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी राजलक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुका। वन के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातः काल ये काफिला आकाश चंपा के पास पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग उल्लासित थे। अब राजा भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास बैठी थी, परंतु सिर्फ छोटी रानी राज्य लक्ष्मी उनके पास ना बैठकर मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी। तभी पटरानी ने महाराज से कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने कहा, हाँ रानी साहिबा, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़िए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है, इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, आप आदेश दें तो मैं भी कुछ फूल ले लूं। तभी तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी। राजा देख रहे थे कि सभी रानियां फूल चुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसलिए उन्होंने सभी को आज्ञा दे दी, लेकिन राजा ने पहले 6 नंबर की रानी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने पटरानी से कहा कि ये आप सबसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले उन्हें फूल चुनने का अवसर दीजिए। महाराज की बात मानते हुए बड़ी रानी ने कहा, ठीक है 6 नंबर की रानी, पहले तुम फूल ले लो। रानी फूलों के पास गई और उसने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी चंपा के फूल से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां थे वही रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर दंग रह गए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई। चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा कि बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है, मैं टूटू या लघु आकाश? बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं
कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है। इसलिए बहन, इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। इसके साथ ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार से पांचवी, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी, उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए परंतु पहले ही कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या वह मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त होता है। इसलिए चंपा, अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है, हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी है राजा की और अपने राज्य की, और हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है, और हम कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है? इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है, और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। ये तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की माँ होती है, इसीलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया। ये तो हमारी संहारक है, हमें मारने वाली है। इन रानियों के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? इसलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो, तुम्हें इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये सभी बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासदों, राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु वह इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उसकी इच्छा तो ये हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान्य ऊंचाई पर आ गई। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप ये भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी, इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए, फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक देगी। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ, मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई कि आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं,
परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताइए, क्या कभी आपने ये सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, ये जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े, आपकी प्रजा, आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस प्रजा की, उस संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान की, अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आप यहाँ से जाइए। राजा के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वह अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही पटरानी बोल उठी। पटरानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे, वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार आने लगा था कि कहीं रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने इसके लिए मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती है और देखती है कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश की काफी ऊंचाई पर है। ये देखकर वह कहती है, मंत्री जी, मेरे हाथ वहां इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, इतने लोग फूल को नहीं तोड़ पाए। अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप चलिए तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अपने पास से जाते हुए चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को लगा जैसे उस स्पर्श से उन्हें सुख मिल रहा है, असीम आनंद आ रहा है। वह पौधे को सहलाती रही। पौधे से आवाज आई, हे भैया बांस। आवाज उसकी रुंधी हुई थी। बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो रही हो। चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है, उन्होंने मेरा बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूँ।
आप मुझे आदेश दे कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, बिल्कुल सही है, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बड़ी हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। उसके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाती जा रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंध कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो, इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और ये छह बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम सात भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े छह भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उस घड़े का मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु वह घड़े के ऊपर सिर रख कर दर्द से कराहती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी ने नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम सात भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे, परंतु माँ उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को वहां हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वो कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहां गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? इस पर चंपा कहने लगी, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख ना ले, इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी।
जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत जोर की आंधी चल पड़ी। दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में कहीं उड़ गए हैं। इसलिए महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा कहने लगी, महाराज हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। अगर हमारी माँ सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती ले, फिर इन सभी 7 पत्तियों को गोलाई में रख कर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी, हे परी रानी मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। माँ परी रानी मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। आश्चर्य पल भर में देखा गया, बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलीन हो गया। वहाँ पर लगभग 5-6 वर्ष के उम्र के 6 बालक और 1 बालिका उपस्थित दिखे। रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही बंधी हुई थी, वह तो रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से अश्रु वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव दरबार में पहला राज्य आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। शेष सभी 6 रानियों को राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी, उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती, इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप मेरा ये अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दे, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा, इसलिए महाराज इन सब को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी आपका दिल बहुत विशाल है,
इसमें सबके लिए क्षमा है, परंतु राजकार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं। इसलिए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक ये जिंदा रहेंगी कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी थी, उनके साथ ही बच्चे घोड़े पर सवार थे और छह रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी राजलक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक सात बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे फिरे, भगवान की कृपा से वैसे ही राज्य के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियां आ गई। भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।